been in this world. Absolutely. Yes. Pretty. Rehearsal bhi bahut achhe kiye, sabne bahut motivate kiya, aur my family, meri mama, mere papa, meri sister, mere jitne bhi friends hain, sabne mujhe bahut blessing di, aur I'm here correct. Now. Is event ne jo platform manch aapko diya, uske bare mein kya kehna chahenge aap? ये मिराज एंटरटेनमेंट्स का जो ग्रुप का जो इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, थैंक यू। अरे मैडम उनको सीधा करो, लाइव बॉलीवुड किसका है? चलिए मैम कैमरे में देखना जरा, चालू करें क्या? हाँ रेडी रेडी रेडी। अच्छा बस, अच्छा बस जी, मेरा नाम नजर इनायत खान है, मैं वाराणसी भी बिलोंग करती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड मैं मम्मा को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मम्मा ने मुझे यहाँ मुंबई इष्ट करने को भेजा एंड ऑडियंस को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जिसने मुझे विनर बनाया एंड मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। बहुत डिफिकल्ट था एंड बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, चलता है स्टोर। आज अवार्ड लेके अभी क्या फीलिंग है, क्या आगे क्या करना है? क्या अवार्ड लेके तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बट कल को क्या होगा नहीं मालूम, बट अपनी मेहनत मैं जारी रखूंगी और इससे ज़्यादा अवार्ड पाने की कोशिश करूंगी मैं। इससे आगे आप क्या प्रोग्राम है? इसके आगे क्या प्रोजेक्ट क्या है? या अभी मैं एक एल्बम सॉन्ग करने जा रही हूँ, नेहा कक्कड़ इज लीड एक्ट्रेस सॉरी सिंगर एंड मोनी शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि फेब के लास्ट से शूट आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, अभी म्यूजिक कंपोज हो रहा है। थैंक यू। और आपने अगर नोटिस किया है विनर का स्माइल पूरे शो में, उधर करना उधर करना पूरा जो शो में विनर का स्माइल सबसे अच्छा था एंड शी वाज स्माइलिंग फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, एक भी मिस्टेक नहीं था उसका, शी वाज फैंटास्टिक एंड अवर अनदर मॉडल प्लीज कम एनी विनर है आ जाओ आ जाओ। और आप सवाल कर सकते हैं इनको, मेरे को तो आप बिंदा सवाल कर सकते हैं, इनको भी सवाल कर। पहले अपना नाम बताइए। नाम, माय नेम इज कायनत पाल। आज का जो आपका अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर, आपका सफर कैसा रहा? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा और आज के अवार्ड के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि जजेस को एंड ऑडियंस को जिसने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे अवार्ड देने में हेल्प की। आपके सर पे जो ताज है ये पहली बार हुए हैं, किसके पहले भी कभी ताज? नहीं, पहली बार। आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे की तैयारी ये रहेगी कि मैं एक सुपर मॉडल आगे का रास्ता तय करूंगी, सुपर मॉडल। घर वालों का कितना सपोर्ट मिल पाता है इससे? घर वालों का पूरा सपोर्ट मिल जाता है, उनके सपोर्ट के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। और एक चीज बताना चाहता हूँ इनके बारे में, इन्होंने इसके पहले कभी कुछ इवेंट किया नहीं है, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, इन्होंने अभी 2 दिन का ट्रेनिंग ले किया। पहले दिन तो बात फोन पे माइक पे बात करने शर्माती और अभी उन्होंने इस तरीके से चमत्कार से रिजल्ट किया है। आपने देखा होगा उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका लाइफ आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ, इससे अच्छा जो नए कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मिराज ने आपको चांस दिया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जी जी, कितना हाथ है उनका आपको खड़ा करता है? उनका मेरे सर पे बहुत ज़्यादा हाथ है, मतलब आज मैं हूँ तो उन्हीं की वजह से, उन्होंने मुझे चांस दिया पहली बार, मतलब कि आप करो, आप में है हुनर, टैलेंट दिखा सकते हो, तो उनमें कुछ दिखा, मुझमें कुछ दिखा तो मैंने। थैंक यू। सर सुशील तिलोगानी नाम है, मैं राजस्थान से हूँ। क्या आज आपको कितनी खुशी है अवार्ड से नवाजा गया है और आप पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने की तैयारी करूँगा और जितना आज परफॉर्मेंस किया है उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बस यही कहना चाहूँगा। कितना सपोर्ट रहा घर वालों का और मिराज एंटरटेनमेंट का आपके साथ? मिराज एंटरटेनमेंट ग्रुप एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेशर्स आके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और घर वालों की जहाँ तक बात है वो उनका इतना सपोर्ट रहता है कि हम लोग कहीं रुक ही नहीं सकते हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे का ये प्लान है कि बस आगे बढ़ना है मिराज ग्रुप के साथ, जहाँ यूसुफ सर बोलेंगे वहाँ जाना। थैंक यू। बस भाई साथ में बस भाई का आप इधर आ जाइए, तुम इधर आ जाओ, नहीं आप बीच में चला, बीच में चला, बीच में बीच में लगाओ, बूम लगाओ, बूम लगा, बालवल चाहिए भाई, फर्स्ट क्लास चाहिए, स्मार्ट दिखने चाहिए, है ना सर? आप आज के इस प्रोग्राम के लिए एक मिनट एक मिनट से क्या माय एवरी टाइम आई कीप ऑन गिविंग सपोर्ट टू ऑल द न्यू कमर्स। कि हमारा चैनल है एक MGM बॉलीवुड करके यूट्यूब पे,
जिसका मकसद ही यही है कि नए लोगों को मौका देना, नए लोगों को प्लेटफॉर्म देना. एंड सुगंधा इज टैलेंटेड, शी गॉट, शी डिजर्व्ड इट, सो शी गॉट द पेजेंट. एंड ही इज ऑल्सो माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड गाय. एटीट्यूड, टाइटल का नाम था एटीट्यूड, तो एटीट्यूड तो दिखना चाहिए था बॉस. तो जिसके अंदर एटीट्यूड दिखा हमने उसको ही अवार्ड दिया. सर, नए लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं स्टेज पे या परफॉर्म में या डांसिंग में या सिंगिंग में, उनको वो नॉलेज नहीं होती है. बट आपको कितना सपोर्ट मिला है इन लोगों से और आपने कितना इन लोगों के साथ मतलब सपोर्ट किया है इन लोगों? बिल्कुल सही बात है. देखिए, ये जो सवाल है ना, हर इंसान जो आज इस्टेब्लिश है, आप देख रहे हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, सब कभी ना कभी तो नए थे भाई. अगर हम नए लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको सर पे हाथ नहीं रखेंगे, तो फिर नेक्स्ट कैटरीना कैफ, नेक्स्ट शाहरुख खान, नेक्स्ट 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 कब आएंगे और कैसे आएंगे? आज यशराज है तो वो बोलेगा मेरे को शाहरुख खान ही चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो इनको ब्रेक कौन देगा? ऐसे पेजेंट लाख में अगर होगा तो लाख में इस्टेब्लिश लोगों को ब्रेक देता है, नए लोगों को कौन देगा? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है. प्लीज़ वॉच माई चैनल MGM बॉलीवुड. राइट, यूसुफ भाई, ये हमारे यूसुफ भाई हैं जिन्होंने पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, मेहनत किया माशाल्लाह से. इतनी खुशी हुई आपको, कितना सक्सेस रहा प्रोग्राम आपका? जो जितनी कोशिश थी हम लोगों ने की माशाल्लाह, बाकी अल्लाह के ऊपर जो भी है, और हमारे हिसाब से जो बेस्ट था हमने करने की कोशिश की इसके अंदर से. यूसुफ भाई, देश के कोने कोने से लड़कियाँ यहाँ पे आई थी, भाग ली हैं, भाग ही रही हैं, लोगों को सम्मानित किया गया, अवार्ड का नवाजा गया. जी जी, तो कितना मेहनत हुआ था, कितने दिन तैयारी करनी पड़ी थी आपको इसको? कम से कम हमने 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और अलग अलग सिटीज में जाके हम लोगों ने ऑडिशंस लिए हैं, उसके बाद में यहाँ से सारे फॉर्म लोग आज आपका थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है. जी जी, हम लोग अभी से हम लोग 97 से लोग काम कर रहे हैं. मिस कुछ हमारा एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारी मिस इंडिया से लेकर बहुत सारी फिल्म की हीरोइन वगैरह निकल चुके हैं. आज तो आपने मिस रिटू करा लिया, इनके साथ कब तक आपका सपोर्ट रहेगा? ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा सपोर्ट है, पूरे हमेशा के लिए सभी के साथ में. थैंक यू सर, वेलकम, थैंक्स.